गांधी जी आपके द्वारा एक धरना प्रदर्शन और आंदोलन का कार्यक्रम था आपके संगठन के द्वारा, तो क्या कुछ में परिवर्तन हुआ है, क्या जानकारी है इस समय? राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के मैं अध्यक्ष हूँ विजय कुमार निगम। हमारे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रोग्राम 2 महीने पहले डिसाइड किए जाते हैं। उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के क्षेत्र में हम लोगों का धरना प्रदर्शन था, महंगाई भत्ते की मांग को लेकर, पुरानी पेंशन की मांग को लेकर, निजीकरण समाप्त किए जाने की मांग को लेकर, और संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को रेगुलर किए जाने की, और नकदीकरण, 5 मांगों को लेकर आंदोलन था। चूँकि आज विजयदशमी भी है, रामनवमी भी है, महत्वपूर्ण दशहरा है, इस कारण हमारे कई वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा कल रात की कार्यकारिणी में निर्णय लिया गया कि बनारस का कार्यक्रम 21 तारीख को किया जाए। चूँकि मैं तो तैयार था जाने के लिए, हमारे साथ काफ़ी पदाधिकारी लखनऊ से 9 कारों का काफिला चलने को तैयार था। चूँकि पूजा पाठ का मामला था इसलिए हमने उसको स्थगित किया है। ये कार्यक्रम अब इससे बड़ा किया जाएगा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए अत्याचारों से उनको भी सबक सिखाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, उन्होंने पेंशन खत्म किया। कल्याण सिंह आए थे, उन्होंने नकदीकरण खत्म किया। प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने महंगाई भत्ते खत्म किया। हम लोग उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को खत्म करेंगे आने वाले चुनाव में। मैं राज्य कर्मचारियों की तरफ से बनारस से लड़ूंगा लोकसभा का चुनाव, और राज्य कर्मचारी की अगर ताकत है तो हरा के दिखाएगा प्रधानमंत्री जी को, और वापस गुजरात भेजेगा। ये हम लोगों के परिवार भूखों मर रहे हैं, कोरोना के मरीज शहीद हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को कुछ शर्म नहीं आ रही है कि हमारे ऐसे समय पे बत्ते काटे हैं जो हमारी विधवाएं हैं, वो भूखे मर रहे हैं लोग। ये यहाँ राज्य कर्मचारियों की 2-2 साल तक मृतक आर्सित की नौकरी नहीं मिल रही है, 200 वर्ष तक उनकी छुट्टियां नहीं सेंशन हो रही है, पेंशन नहीं बन रही है। हमारे सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी भूखे मर रहे हैं। एक तरफ तो ब्याज काट दिया 1%, दूसरी तरफ सेवानिवृत्त कर्मचारी जिसकी कोई कमाई नहीं है उसका भी भत्ता काट दिया। अरे काटना है तो इन मंत्रियों को काटिए जिनकी 5 साल में 25 गुना संपत्ति बढ़ रही है। आपकी करनी और कथनी में अंतर है प्रधानमंत्री जी। ये दूसरी बार जनता धोखा खाई है, तीसरी बार जनता धोखा नहीं खाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भी देखिए, आपके विभाग का एक विशेष सचिव जो खाली 2 दिन जा रहा है, सुब्रांत शुक्ल, राज संपत्ति अधिकारी, राज संपत्ति विभाग कितना बड़ा है, वहां भ्रष्टाचार का जमावड़ा लगा है। जो अधिकारी 2 दिन कार्यालय जाएगा वो क्या काम करेगा, वो क्या आईएएस अफसर है? क्या एक आईएएस अफसर राज संपत्ति विभाग को नहीं दे सकते? ऐसे अधिकारी को दिए जो 2 दिन जा रहा है, खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। करोड़ों रुपए की गाड़ियां जो है वो चल रही थी जिसको मैंने रुकवाया आपके माध्यम से, आपने आदेश किया है तो 20 गाड़ी हटाई गई है, और वो उन अधिकारियों की तनख्वाह से क्यों नहीं वेतन करा रहा है? रिकवरी सुब्रांत उनसे मिला हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन वापस करिए, वरना सरकार से सीधी लड़ाई का समय आ गया है। बिहार के चुनाव में मैं हो सकता जाऊँ प्रचार करने, बंगाल के चुनाव में जाऊँ और नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ। मेरे राज्य कर्मचारी को जो पार्टी सहयोग करेगी मैं उस पार्टी में लीडर बन के जाऊँगा। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।